वेलकम बैक टू बी क्रिएटिव विथ अवीरीना। आज मैं वेज कोल्हापुरी बनाने जा रही हूँ। इसे बहुत से रेस्टोरेंट और ढाबे में स्पाइसी मिक्स वेज हांडी भी कहा जाता है। बेसिकली ये मिक्स वेजिटेबल और स्पाइसी ग्रेवी का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो समान मात्रा में प्याज, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, हरी मटर और 200 ग्राम पनीर लिया है। मैंने अपने पसंद की सब्जी ली है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे मशरूम, बेबी कॉर्न, आलू। अब गैस पे एक पैन गरम करेंगे, एक चम्मच तेल लेंगे और गैस का फ्लेम हाई करके गोभी को 1 से 2 मिनट के लिए सेलो फ्राई करेंगे। फिर बाकी सब्जियों को भी 2 मिनट के लिए सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब ये तैयार हो चुका है, इसे निकाल के अलग रखेंगे। अब सब्जियों का एक स्टेप तो तैयार हो चुका, अब ग्रेवी को तैयार करते हैं। फिर से उसी पैन में 1 चम्मच तेल लेंगे, तेल में 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 छोटी इलायची, लगभग 1 इंच दालचीनी, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 4 से 5 लौंग, 1 छोटी चम्मच खसखस, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। सभी को 2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर 2 चम्मच फ्रेश नारियल लेंगे और धीमी आंच पे इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए ये भून चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे एक मिक्सी में पीस लेंगे। तब तक हम 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर और 6 से 8 काजू, भींगे हुए काजू को लेके इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। गैस पे एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच बटर और 2 चम्मच तेल लेंगे, उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 से 2 तेज पत्ता डालेंगे और 1 चुटकी हींग भी। जब जीरा चटकने लगे तब 4 मीडियम साइज के बारीक कटे प्याज डालेंगे। इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के धीमी आंच पे भूनेंगे। अब जो हमने मसाला तैयार किया है उसे डालेंगे। इसे 5 मिनट तक भूनेंगे। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तब उसमें टमाटर और काजू का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे। बीच बीच में मसाला चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखेंगे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब इसमें भुनी हुई सारी सब्जियों को डाल के मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप पनीर को बाद में डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब सारी चीजों को चलाते हुए मिलाएंगे और कुछ मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब इसमें एक कप गुनगुना पानी मिलाएंगे, इससे मसाले का स्वाद बरकरार रहेगा। फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के 7 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहें। अब 10 मिनट बाद इसमें हाथों से मैश करके 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। लीजिए, हो गई वेज कोल्हापुरी तैयार। इसे सर्विंग बाउल में निकाल के गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करेंगे और प्लेट में धनिया पत्ता से सजाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।